हेलो एवरीवन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ आज। तो ये है सीमेंट का मिक्सचर जो कि वेस्ट हो रहा था, किसी वजह से ये बन गया था बट उसका यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं होने देती हूँ, इनसे बनाती हूँ बहुत ही बढ़िया से DIY। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि मैंने आज इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 DIY कैसे बनाए हैं। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ये टायर, ये है स्कूटी का टायर, और साथ में ही लिया है एक पाइप का टुकड़ा। अभी घर में इतना कूड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, उसी कूड़े में से मैंने ये पाइप निकाल लिया था। तो ये जो मिक्सचर है ये बना था टाइल्स के लिए, बट किसी रीज़न से टाइल्स उस दिन नहीं लग पाई थी, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेता मिला करके मिक्सचर जो है वो बिल्कुल सही कर लिया है, और बीच में यहाँ पर टायर को रख के और पाइप को रख के इसको पूरा अच्छे से जो मिक्सचर है उससे मैं इसको यहाँ पर कवर कर दूँगी। ये मैं बना रही हूँ एक कॉफ़ी टेबल, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी टेबल हमारी बन के रेडी हो जाए। तो ये है नीचे का बेस जो कि टेबल के नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे, और ऐसे ही पूरा मिक्सचर जो है वो मैंने पाइप के अंदर भी फिल कर दिया है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा और काफ़ी इसमें जो मजबूती कहते हैं ना वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये था मेरे टेबल का नीचे वाला पार्ट जो कि मैं यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब हमें बस इसे सूखने के लिए छोड़ देना है, पूरा 2 दिन मैं इसको छोड़ूंगी यहाँ पे। अब हमें बनाना है ऊपर का टॉप। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये बाइक का टायर, तो ये ना कहीं पे भी आपको शॉप पे मिल जाएगा, 20-20 रुपए में मिल जाते हैं। मैंने भी ये बाहर से ही मंगवाया था किसी से, तो यहाँ पे मैंने इसको भी रख दिया है। बीच में मैं रख रही हूँ एक पाइप का पीस, ये क्यों रख रही हूँ, जो हमने नीचे का बेस बनाया है उसका पाइप इस सेंटर के अंदर अच्छे से चला जाए, तो हमें पाइप का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है यहाँ पे। और ये मैंने ऐसी सूखी मिट्टी इसके अंदर डाल दी है कि बाद में ईजिली निकल जाए। सेम उसी तरीके से जो मिक्सचर है उसको हम पूरे इसके अंदर डाल के कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ डाल दिया है, साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये लोहे की जाली होती है उसको, ये इसलिए डाल रहे हैं, सेफ साइड होता है ये कि आपका जो बीच में से कोई क्रैक ना आ जाए या जो मिक्सचर है वो टूट ना जाए, इसलिए आप जाली या फिर कोई भी छोटे छोटे से लोहे के पीसेस होते हैं, सरिये के पीस होते हैं, वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाली का यूज़ किया है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, पूरा हमें इसे ऊपर तक कवर कर देना है सेम इसी मिक्सचर के साथ, और जो हमने बीच में ये पाइप रखा है इसको भी हम कवर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा ऊपर का टॉप पोर्शन बनेगा यहाँ पे। जब ये सूख जाएगा, जब हम इसे उठाएंगे, तो जो पाइप में हमने मिट्टी भरी है वो नीचे के साइड से निकल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ पुराने टाइल्स के पीस, पुराने तो नहीं कह सकती हूँ, अभी काम हुआ है तो उसी में ये यूज़ हुए थे, फ्रेश पीस था जिसको कि मैंने तोड़ के इस तरीके से बना लिया है। आप इसके साथ साथ कोई भी कलर की यहाँ पे टाइल होगी या फिर किसी भी तरीके के मिरर वगैरह जो भी आपका मन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो टाइल आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मिक्सचर हमने यहाँ पे सीमेंट का डाला है ये ड्राई नहीं होना चाहिए, उसी टाइम पे इसको लगा देंगे कि ये साथ ही साथ चिपक जाए और सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे पे टाइल्स लगा दिए हैं। अब बीच में जो थोड़ा सा गैप आ जाएगा टाइल्स और सीमेंट के बीच में, तो वो हम बाद में इसको कवर कर देंगे। तो इसको हमें छोड़ना है कम से कम 2 दिन के लिए कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट DIY तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन जो मिक्सचर है सीमेंट का वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए एक और फटाफट से स्टूल यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 पाइप लिए हैं जो इक्वल साइज में ही कट कर लिए हैं लेग्स बनाने के लिए, और एक अपने घर की ही पुरानी बाल्टी ली है। इसको हल्का सा नीचे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, जिससे कि मेरा जो मिक्सचर है वो आराम से निकल के बाहर आ जाए, और बस कुछ नहीं करना है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैं कोई भी जाली या फिर कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत मोटा थिक नहीं बनाऊंगी, हल्का सा ही इसको पतला करके ही बनाऊंगी यहाँ पे इसका जो टॉप बनाऊंगी स्टूल का। तो इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कोई जाली वगैरह डाल सकते हैं, बट बीच में पाइप के जो लेग्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो ये बीच में से क्रैक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने इस तरीके से डाल के लेग्स के पास थोड़ा सा और सीमेंट यहाँ पे डाल दिया है, और सेम उसी तरीके से मैं इसको भी 2 दिन के लिए यहाँ पे छोड़ दूंगी। और देखिए नेक्स्ट डे मेरे ये दोनों जो स्टूल थे वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो थोड़ी सी मैंने इसकी पानी डाल के तराई कर दी है। कहते हैं कि सीमेंट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें तो उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये वाला स्टूल तो बिल्कुल ही बन के तैयार हो गया था, इवन जब मैं इसको पलट रही थी तो थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि ये पता नहीं निकलेगा, कहीं गीला ना हो टूट जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे से ये निकल के यहाँ पे आ गया था। ऐसे ही मैंने ये वाला भी इसका टॉप उठवाया, भैया से इतना भारी हो गया था कि मुझसे बिल्कुल हिला भी नहीं यहाँ पे। तो बीच के देखिए सेंटर में से मिट्टी निकाल के भैया ने यहाँ पे इसको लगा दिया था। तो अब बारी आती है इसे फिल करने की। तो वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट से मैंने इसको पूरा अच्छे से कवर कर दिया है यहाँ पे।
सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं समर्स में सनस्क्रीन अप्लाई करना कितना ज़रूरी होता है? मैं ये काम इसलिए आराम से कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है। सनस्क्रीन आपको हार्मफुल यूवी रेज, सनबर्न एंड प्री मेच्योर एजेंट से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। क्या आपकी सनस्क्रीन स्किन पर हैवी एंड ग्रेसी लगती है? एंड क्या आप अपने व्हाइट कलर वाले सनस्क्रीन से तंग आ चुके हो? सो डोंट वरी, मामा अर्थ रेंज ऑफ सनस्क्रीन हैव गॉट यू कवर्ड। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज एंड गेट योर डेली ग्लो अप विद मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन विद SPF 15 एंड PA++। दिस सनस्क्रीन गिव यू स्किन एक्विट सन प्रोटेक्शन विदाउट एनी वाइट कास्ट। दिस सनस्क्रीन क्राफ्टेड विद विटामिन सी, द सनस्क्रीन ब्राइटन स्किन एंड शील्ड इट फ्रॉम यूवी रेज एंड इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ टर्मरिक, इट हील डैमेज स्किन कॉज्ड बाय सन एक्सपोजर एंड रिवाइव योर स्किन नेचुरली ग्लो। एंड दैट इज नॉट ऑल, ये आता है लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी टेक्सचर के साथ जो कि इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन में विदाउट एनी ग्रीसी रेजिड्यू। मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन इज आल्सो मेड सेफ सर्टिफाइड, विच मींस इट कंटेन नो टॉक्सिन एंड हार्मफुल केमिकल। एंड मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड। और आप गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में तो जानते ही हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025। मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, नायका, पर्पल एंड Flipkart और मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर नियर यू। मैसेज मी एंड कमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामा अर्थ स्टोर नियर यू। यूज माई कूपन कोड VARNIAS2024 फॉर 20% डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। सो फ्रेंड, इसीलिए मैं ये जो DIYs है ना वो आराम से इंजॉय करती हूँ धूप के अंदर बैठ के। तो व्हाइट सीमेंट पुट्टी के बाद इसको एक दिन मैंने अच्छे से ड्राई होने दिया। अब इसको रेगमा की हेल्प से पूरा इसको रब कर दूंगी जब तक कि इसमें से टाइल्स नज़र ना आ जाए। तो देखिए, इस तरीके से इसका टॉप जो है वो तैयार हो गया। अगेन ये मुझसे नहीं उठा तो पेंटर भैया ने इसको उठा के इस पाइप के ऊपर रख दिया था। अब करना है इसको कलर, तो ब्लैक ऑयल पेंट का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जितना टायर वाला पोर्शन है उसको ब्लैक कलर से यहाँ पे बस कलर कर दूंगी। और ये मेरा जो सेंटर टेबल है या कॉफ़ी टेबल है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और लिटरली यार, ये बन के इतना अच्छा तैयार हुआ था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा भी लगेगा। तो देखिए, बस इस तरीके से पूरा नीचे का बेस के ऊपर हमारी ये जो टेबल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसको धूप में रखिए, पानी में रखिए, आपकी जो ये टेबल है ना ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो अब यहाँ पे करते हैं डेकोरेट अपने सेकेंड DIY वाले स्टूल को। तो इसको एक मोज़ेक मिरर आर्ट की तरह मैं इसको ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ। तो रैंडमली जो भी मिरर्स वगैरह थे उससे एक पैटर्न या फिर डिज़ाइन यहाँ पे बना दूंगी ऊपर के साइड में। आपका मन है, अगर आप इस पर कोई और आर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट मुझे कुछ कलरफुल सा चाहिए था यहाँ पे, और मिरर्स के साथ उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने एक पैटर्न बना लिया है मिरर के साथ। और अब मैं इसको करूंगी ऊपर से यहाँ पे कवर। तो कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है, साथ में 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे फेविकोल ऐड किया है। और जो कलर मुझे इसमें ऐड करने हैं उनके ही यहाँ पे मैं मिक्सचर बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं ना 3-4 कलर्स के मिक्सचर जो है वो बना के रेडी कर रही हूँ। तो जिसमें मैंने ये बनाया है थोड़ा सा टील ग्रीनिश कलर जैसा होता है, उस टाइप में मैंने यहाँ पे कलर बना के तैयार किया है। और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, थिक पेस्ट बनाना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है वाइट सीमेंट, फेविकोल और कलर को, जिससे कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ 4 कलर लिए हैं, ऑरेंज, येलो, पर्पल एंड लाइट ग्रीन टाइप का। तो बस इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगी। अच्छे से इसको पूरे पैटर्न के ऊपर फैलाना है कि जो बीच में गैप है वो वाइट सीमेंट से अच्छे से फिल हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक कलर के बाद दूसरा कलर लगा दूंगी, जैसे बस मुझे रैंडमली कलर्स यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा कलरफुल सा ऐड करना है मुझे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं हर कलर की लेयर जो बना के यहाँ पे रेडी कर दूंगी। तो अच्छे से इसे स्प्रेड करना है कि मिरर के अंदर आपका जो सीमेंट है वो अच्छे से लग जाए और आपके जो मिरर हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाए।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है। लास्ट में लगाऊंगी यहाँ पे पर्पल कलर, तो बहुत ज़्यादा तो स्पेस नहीं था, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पूरा कलर जो है वो ऐड कर लिया है। अब जो हमारा नॉर्मली अभी वाइट वॉश हो रही है, तो जो लोग ये कत्ती का इस्तेमाल करते हैं जैसे पुट्टी वगैरह हटाने के लिए, तो वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ और बस इस तरीके से इसको फैलाती जाऊँगी। और जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैंने यहाँ पर कटोरी के अंदर ले लिया है, तो रेंडमली ही इसको बस मैं बना रही हूँ। थोड़ा बहुत जो कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर सा इसका पैटर्न जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा इसको स्प्रेड कर लिया है, थोड़ी सी देर के लिए ड्राई होने दिया है और इस तरीके से नॉर्मली सूखे कपड़े से ही मैंने सारे मिरर्स को यहाँ पे क्लीन कर लिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा था ये मिरर्स की वजह से। अब बारी आती है इसको कलर करने की, तो जो कॉर्नर्स थे वो भी यहाँ पे मैंने टील ग्रीन से ही यहाँ पे कलर कर दिया है और लेग्स को यहाँ पे मैं करूंगी गोल्डन कलर से। तो यहाँ पे गोल्डन कलर मैंने लिया है, एशियन का ही यहाँ पे गोल्डन कलर है और उसी से ही मैं इसके लेग्स को जो है वो कलर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे दोनों जो स्टूल हैं टेबल हैं वो बनके तैयार हो गई है। एक ये छोटू सा है बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। इसको रखूँगी मैं घर के अंदर और जो दूसरी वाली टेबल है उसको रखूँगी बाहर। तो आप भी इस तरीके से पुराने सीमेंट या फिर बचे हुए सीमेंट से इस तरीके से DIY बना सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आपको मेरे ये दोनों DIYs कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये सीमेंट वेस्ट होने से बचाना अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में बेल आइकन है उसको ऑन करें जिससे आपको मेरी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।